साथियों, इल्लनी भी दुर्गेश के इस शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के महाभारत सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के जो 50 नंबर की विविध में, 30 नंबर विविध, 10 नंबर की पर्यावरण, जीएस और साथ ही साथ साइंस की सीरीज में लगातार आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जहां से आपकी परीक्षा हूबहू प्रश्न आए हैं। आज के टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और ऐसा टॉपिक जहाँ से आपके भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। तो जल्दी से आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में इलेनी बी दुर्गेश पर राष्ट्रहित में, देश हित में, निशुल्क शिक्षा के लिए प्रतिदिन आपके बीच 9:30 बजे लाइव होता हूं। तो जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि आज की जो टॉपिक थी, ये भारत के संविधान में शामिल राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत थे, ध्यान दीजिएगा, यही हमारे टॉपिक का नाम भी है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई है, आज हमारी जो पहला प्रश्न है इसकी शुरुआत हम लोग यहां से करते हैं। ठीक है जी हाँ, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। फटाफट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है कि भारत के संविधान में शामिल, जी हाँ, प्रतिदिन रात 9:30 बजे इन लर्निंग विद दुर्गेश पर देखना ना भूले, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं और आप तो पहले से रेस के घोड़े हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। यह जो लिया गया था आयरलैंड के संविधान से, इसे हम आयरिश संविधान भी कहते हैं। यह भारत के संविधान में अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो यह भाग 4 में है। ये किस में है? यह भाग 4 में है, ऐसा हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। लेकिन अगर अनुच्छेद की बात करें, यह किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद की बात करेगा तो 36 से लेकर 51 तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके कितने प्रश्न तैयार हुए। पहला, यह आयरिश संविधान से लिया गया था, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इस संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, भारतीय संविधान राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे। एकदम आसान प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है, शायद उम्मीद करता हूँ आप ये बातें अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए, कनाडा से अगर कुछ लोग कह रहे हैं, ये कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया था। क्या लिया गया था? संघी व्यवस्था ली गई थी। वैसे आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर यूएसए से देखा जाए तो ऐसे मूल अधिकार लिया गया था, बाकी आगे भी देखेंगे मूलाधिकार लिया गया था। अगर आयरलैंड से बात की जाए, ठीक है जी हाँ, तो यहाँ उत्तर क्या होगा? आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी को सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आयरिश संविधान या आयरलैंड होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। फटाफट जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताएं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान के किस भाग में कही गई है। जी हाँ, जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। देखिए, अगर राज्य की कल्याणकारी नीति सिद्धांत की बात की जाए, कल्याणकारी राज्य की बात की जाए, एकदम यूनिक प्रश्न है, परीक्षा में हूबहू आपके आता है, वह है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत अर्थात संविधान का भाग 4। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। आराम से इतनी बार इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ये पूरी तरह से आपके दिमाग में फीड हो जाए, पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आगे भी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी साथी मित्रों तक ये जरूर पहुंच जाए, क्योंकि अभी तक जो लाइक नहीं हो पाए हैं वो लोग भी जुड़ जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान की भाग 4 किससे संबंधित है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ये सीरीज प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव होती है। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की एक महामैराथन क्लास, जिसका एकमात्र उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, और आपका उद्देश्य होगा कि मेहनत से पढ़ना, अपना बेस्ट देना। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी है। अभी तक आपने इतना बात सीख लिया होगा। अगर आप रेगुलर क्लास में रहते हैं तो एक एक करके सारे प्रश्न आप सही कर जाते हैं, क्योंकि प्रश्न की भाषा बदलती है, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने हूबहू आते हैं।
आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी ठीक ठीक है। चलिए यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति के सिद्धांत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शीर्ष का राइट आंसर होगा। ऊपर मैंने बताया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हेतु संविधान के भाग चार में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को भारतीय संविधान में शामिल करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था। जी हाँ, मेरे देश के भावी अध्यापक क्यों अध्यापिकाओं सभी साथियों को फटाफट कमेंट करके बताते रहना चाहिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर मार दीजिए। देखिए आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि जितने लोग लाइव हैं उतने लोगों ने लाइक नहीं किया। यकीनन आपको मैं बताऊं कि वास्तव में पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से मैं आपको क्लास पढ़ाता हूं, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर दिया करिए। देखिए यहाँ पर एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है। अभी इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था, यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान का भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। जितने भी इस देश के प्यारे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने उत्तर ए बताया था, उन सभी का विकल्प पूरी तरह से सही था। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके बीच, क्योंकि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे भी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया। ईश्वर उनके हर भर्ती परीक्षा में जो भी गोला लगाएं वो गोला उनका सही होता चला जाए। फटाफट कमेंट करते रहिएगा। हाँ, ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पर लाइव निःशुल्क चल रहा है, ठीक। चलिए, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। देखिए याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय राज्य के नीति सिद्धांत से करता है, इसलिए ये बात जानते रहिएगा। एक बार अगर आपको प्रश्न समझ में आ जा रहा है तो बार बार आगे आपको उस बात के लिए दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए समस्या नहीं होगी। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आपके बीच आ गया है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, किसे संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का राइट जवाब देंगे। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। जो भी साथी मित्र इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। जी हां मेरे प्यारे अध्यापक अध्यापिकाओं शिक्षक, इसी तरह लगे रहिए। देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, इसका उत्तर एक ही पकड़े चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह जन कल्याणकारी है, राज्य की स्थापना करता है। नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, इसलिए जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। जिस तरह आप यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं इसी तरह परीक्षा हाल में भी अपना वर्चस्व बनाए रखिएगा। ईश्वर आप लोग को अगली भर्ती में आपका एक सीट जरूर दिलाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, यदि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक को निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। सभी साथी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तब इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इस प्रश्न को मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा और एक अन्य प्रश्न के साथ मैं इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अगर आप सभी लोग जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं वो 6306344367 पर व्हाट्सएप या कॉल करके ऑनलाइन और
संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं, चाहे क्लास नोट्स आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जौनपुर में चलती है मेरी क्लास, पूरी तरह से निःशुल्क चलती है 9:30 बजे। सभी साथी 9:30 बजे लाइव आ जाया करिए। अगर वास्तव में आपको एक सीट चाहिए तब 9:30 बजे डेली फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपको लाइव निःशुल्क मिलती है एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में। राष्ट्र हित में, देश हित में शिक्षा है ये। मैं यहाँ इलेनी बिदुर्गेश के प्लेटफॉर्म पर मैं आके पढ़ा देता हूँ। उनका धन्यवाद है, उनकी टीम का, जो हमें बुला लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा राज्य की नीति सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो वह किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो नीति निषेध सिद्धांत होता है यह वाद्य योग्य नहीं होता। इसे कहते हैं यह वाद्य, ये क्या होता है, ये वाद्य योग्य नहीं होता, ये वाद्य योग्य नहीं होता। मतलब हम इसे योग कहीं भी, देखिए वाद्य ये जो होता है ये वाद्य योग्य नहीं होता, माने हम इसे किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हम किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। आप लोग इस बात को अच्छी से भली भांति जानते रहिएगा। ये क्या हो सकता है, इसे हम किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। जबकि अगर मूलाधिकार की बात करता, फंडामेंटल राइट की बात करता, ठीक है, अगर हम मूलाधिकार की बात करते, फंडामेंटल राइट की बात करते, तब ये क्या होता, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 माने तब ये आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं। मतलब ध्यान से देखिएगा कि मूलाधिकार वाद्य योग्य है, ये क्या है, ये वाद्य योग्य है, ये वाद्य योग्य है, जबकि नीति निषेध सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का, ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार कोई विवाद उत्पन्न होता है, हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। यह बात हमेशा याद रखिएगा। नीति निषेध सिद्धांत या अंग भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक किसी भी समस्या को हम कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ये सारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, लोग गलती करते हैं, लेकिन आप गलती मत करिएगा। मेरा आपसे निवेदन है, आपको एक सीट पक्का लेना है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आपकी संख्या आज कम, इसलिए क्लास जल्दी खत्म होगी। ठीक है, कल आपकी संख्या बेहतर रहेगी तो हम अगली में और बड़ी क्लास लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला जो होगा संघ की कार्यपालिका होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति सिद्धांत किसी भी न्यायालय पर लागू नहीं किए जा सकते। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी को इस प्रश्न का जवाब देना है। ये किस आर्टिकल में, ये किस संविधान के अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है? जी हाँ, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। आज की क्लास काफ़ी छोटी होगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले वादा किया कि आप लोग अगर मेरा साथ देंगे, लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएंगे, अगर आप मेरी मदद करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो मैं आपकी मदद करने के लिए मैं आपको अपना बेस्ट देता रहूँगा। देखिए, इस प्रश्न का अगर उत्तर पूछा जाए कि किस न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिएगा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन है। ये कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, जिसका उद्देश्य है जो भारत के नागरिक हैं उनको सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुविधा उपलब्ध कराना। लेकिन नागरिक को कोई ऐसा अगर विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराता तो इसका उल्लंघन करने पर हम इसे उपचार के लिए, हम संविधान के अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 37 में संवैधानिक लक्ष्य को दूसरे राज्य द्वारा पूरा किया जाना है, हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 37 होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे ही अपना बेहतर देते रहिए। यकीनन आपके कदमों में अगली शिक्षा भर्ती में से एक पद आप सभी के कदम में जरूर होगा, लेकिन ऐसे तरह आप लोग अपना बेहतर देते रहे। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है? सोचिए, रट्टा मार लीजिएगा। अगर इसी तरह लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, मैंने यहाँ पे पढ़ाया था भाग 1 क्या है, राज्य और उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र, मतलब ये है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अगर अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 की बात की जाए तो नागरिकता है, सिटीजनशिप है,
नागरिकता है। ये है अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 की बात की जाए तो ये मूलाधिकार है, मूलाधिकार है। इस अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35। भाग 4 की बात की जाए तो यहाँ पे यही है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगर इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद आपको रट गया होगा 36 से लेकर 51। सोचिए इतनी बार हम आपको तथ्य को बता देते हैं कि सब कुछ आपका रट जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। समझ में आ गया आप लोग को, रट लीजिए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, पिछली बार भी पूछा जा चुका है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, चाहे आप UPTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इन सभी में आपको अपना बेहतर देना है। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और एक अच्छे इंसान हैं आप लोग और एक अच्छे मेहनती अभ्यर्थी हैं तो अगली भर्ती में आपका स्थान भी फिक्स होना जरूरी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत क्या है। जो भी साथी मेरे मित्र इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे जल्दी से फटाक से कमेंट करें और कमेंट करके इस दिए गए प्रश्न का सही से जवाब दें। ठीक है, गलत सही आपका जवाब जरूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप गलत सही प्रश्नों का जवाब देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे कैसा है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मेरी क्लास आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। बताइए बताइए कमेंट करके आप लोग, यार आप लोग तो कमेंट शेयर करें ना करें तो बताइए। चलिए अच्छा, आप नहीं बताते हम ही बताते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कानूनी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, कानूनी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, कानून न्यायालय से नहीं बदल सकता, अर्ध परिवर्तनीय नहीं, आंशिक रूप से नहीं, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, कानून इसे नहीं बदल सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। देखिए कितने लोगों ने यहाँ पे गलतियाँ कर दी, आजकल परीक्षा का ट्रेंड है ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ऐसे गलतियाँ करते रहेंगे सोचिए परीक्षा में क्या होगा, कोई भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता। ये न्यायालय द्वारा आप परिवर्तनीय है, अगर एक बार आप शेयर कर दें तो मैं इसका एक एग्जाम्पल इतना बेहतरीन दे दूंगा कि कभी जीवन में आपको नहीं भूलेगा। लेकिन कब, जब आप शेयर करेंगे लोगों तक पहुंचाएंगे। यकीन मानिए कि इतना बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा, बेसिक शिक्षा का एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेट तक पहुंचता है। देखिए चलिए नहीं आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा कि निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे प्रश्न पूछे, देखिए अगर वीडियो आपके में साफ नहीं चल रहा हो तो यहाँ पे 3 बिंदी दिया गया होगा, उस पर जाने के बाद वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। उसे बढ़ा लेगा 780p कर लेंगे, वीडियो एकदम साफ चलेगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से देखना होगा, ध्यान से समझना होगा और फिर हमें प्रश्न का उत्तर देना होगा। देखिए यहाँ पर गांधी जी ने क्या क्या कहा था, आइए इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं और लिखते हैं। पहला, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन की बात किसने कहा था, ये गांधी जी का ये प्रत्यक्ष दर्शन इसमें दिखता है। मद्यपान निषेध, दूसरा क्या था, मद्यपान निषेध ये इसमें दिखाई देता है, ठीक है, ये उनके प्रत्यक्ष दर्शन इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन तीसरा, ये किस अनुच्छेद में, ये भी आपको बताना है, कृषि एवं पशुपालन संगठन, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, मेरी आवाज सुनते रहिएगा, ठीक, समझ में आया आपको। हाँ, गोवध पर निषेध, गोवध माने गाय हत्या निषेध, गोवध, गोवध माने गाय हत्या, गोवध निषेध, निषेध माने मना है, रोक है, ठीक।
फिर यहाँ पे ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा, ग्रामीण उद्योग को बढ़ाना, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का यहाँ पे प्रभाव पड़ा। कितने लोग जो लाइव देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्या आपको यहाँ पे समझ में आया, बताइए यहाँ पे क्लियर हुआ। ग्राम पंचायतों का गठन, मद्यपान निषेध, कृषि एवं पशुपालन संगठन, ठीक है, गोवध निषेध, यानी कि संगठन न था, ये ठा के बाद यहाँ पे न था, ठीक है, गोवध निषेध, ग्रामीण उद्योग को बढ़ाना, समझ में आया। चलिए यहाँ पे हम अन्य बातों को भी जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अब तो उसका उत्तर बता लेंगे, गोवध निषेध ये क्या है, ये गांधी जी का प्रत्यक्ष दर्शन है जिसका प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जिन साथियों को समझ में आ गया है वो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ कहा गया है, ये संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है। आप बताइएगा कि पशुपालन कृषि संगठन भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में कहा गया है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है, चाहे आप लाइव देख रहे हैं चाहे वीडियो को बाद में देख रहे हैं, जरूर बताना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक होमवर्क देंगे लास्ट में, यहाँ पे ध्यान से बताना है, राज्य के नीतिक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, प्यारे मित्र, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग इस तरह से अपना बेहतर देते रहिएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप अपना बेहतर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम और आप बहुत ही बेहतर चल रहे हैं। आप सब यकीन अब सिलेक्शन आपको होगा, विद्या माई कसम है, जितने लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया फटाफट शेयर कर दे, लाइक नहीं किया लाइक कर दे सभी साथी। हाँ देखिए, मजदूरों का संरक्षण नहीं होगा, काम बराबर करने के लिए बराबर मजदूर, यहाँ पे होगा ग्राम पंचायतों का आयोजन, अभी ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, अनुच्छेद कितने में, 40 में इसका अध्ययन हम लोगों ने किया था, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ए होगा, ए वालों का सही जवाब था। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों फटाफट कमेंट करिएगा, जी आशीष जी ने बताया है कि कृषि पालन अनुच्छेद 48 में एकदम राइट आंसर है, ग्राम पंचायत 40 में है, एकदम राइट आंसर है, जी हाँ ठीक है, इसी तरह आप लोग लगे रहिएगा, ईश्वर आप लोग को जल्दी सफलता के दहलीज पर पहुंचाएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। जरा कमेंट करके बताइए, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, स्वराज व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक कौन थे, इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। ऊपर हम लोगों ने महात्मा गांधी को पढ़ा, तो महात्मा गांधी का कहीं ना कहीं काफी जिक्र यहाँ पर आपको मिलता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आज आप लोग को नहीं पता था कि 9:30 बजे क्लास लाइव चलती है, आपकी संख्या आज बहुत कम है यार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक के सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए बताइए। जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, संविधान के संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण कब बना दिया, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम राइट आंसर, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976 द्वारा अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 31 ग में संशोधन किया गया, और उसके विस्तार को और बढ़ाकर सभी नीति से तत्वों को शामिल कर दिया गया, इस प्रकार सभी नीति से तत्वों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता भी प्रदान हो गई थी। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा,
ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, देखिए संविधान के किस, देखिए सेम प्रश्न है, केवल थोड़ा सा प्रश्न बदला हुआ है। संविधान के किस संशोधन के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार की प्रमुखता दी है? तो था 42वां। अभी इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। कल्याणकारी राज्य, देखिए कुछ इन अनुच्छेद आपको याद करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो परीक्षा में बार बार पूछा था। पहला अनुच्छेद 40, फिर अनुच्छेद 44, फिर अनुच्छेद 45। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इन अनुच्छेद को याद करना है, 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, 49, 50, 51। ये इतने अनुच्छेद आपको याद करने होंगे इसमें से, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में आते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इन अनुच्छेदों को कैसे याद करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो भारतीय संविधान में भारतीय कल्याणकारी राज्य घोषित करने वाला कौन सा होगा? तो यहाँ पे 39 होगा, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत ही कल्याणकारी राज्य की बात करता है, इसलिए ऊपर एक अनुच्छेद आपका और जुड़ जाएगा। कौन सा? 39। क्या जुड़ जाएगा? 39। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत से केवल एक ही विकल्प मिल रहा है, क्योंकि यह अगर नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आप लोग को। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। सूचना के अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन की परिपाटी अग्रणी व्यक्ति कौन था? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके लगाएं। जी हाँ, सामान्य नागरिक संहिता पहले गोवा में लगा था, जो अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, यूनिवर्सल सिविल कोड। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। देखिए ये डेली 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश की फेसबुक पेज, यूट्यूब पे लाइव चलती है, जिसका लिंक आपके टेलीग्राम पे मिलता है। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, जल्दी से ज्वाइन कर ले। एकदम सही जवाब है अरुणा राय। ध्यान दीजिएगा, अरुणा राय को सूचना के अधिकार को परिपाटी का बहुत प्रयत्न किया, इन्होंने सूचना के विधेयक को पारित किया गया। इन्हीं के फलस्वरूप क्या हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन पारित हुआ था। तो कमेंट करके बताइएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब पारित हुआ? कमेंट करके प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। चाहे आप इस वीडियो को फेसबुक पे फ्री निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, दोनों जगह पर इसको प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर डी का राइट आंसर होगा। ये शिक्षक भर्ती के लिए एक ऐसी सीरीज है, जिसको पढ़कर आप शिक्षक बनना आपका तय है, क्योंकि आपका हमारा एक उद्देश्य है, आपको सरकारी शिक्षक बनाना। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीति अधिकार के श्रेणी में आते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, और ये जौनपुर जनपद से संचालित होती है, और ये क्लास मेरे द्वारा निःशुल्क एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कौन सा अधिकार? जी हाँ, मेरे देश के प्यारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं, अपना जवाब जरूर दीजिएगा, गलत या सही, क्योंकि परीक्षा हाल में आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ गलती हो जाए, लेकिन परीक्षा हाल में गलती नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार के श्रेणी में नहीं आता? देखिए, संघ बनाने का अधिकार राजनीतिक श्रेणी में आता है, शिक्षा प्रदान करने का अधिकार ये नहीं आता। देखिए ये सारे जो है, निर्वाचित होने का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, यह एक राजनीतिक अधिकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। यहाँ पे ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये हुआ। ठीक है, संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, जीवन का अधिकार, यहाँ पे निर्वाचन, निर्वाचित होने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है।
ठीक है, आपने देखा होगा भारत में नागरिकों को चुनाव निर्वाचित होते हैं, इसलिए जिनकी उम्र सीमा निर्धारित की गई है किसके द्वारा, तो यह हमारे देश का राजनीतिक अधिकार है जिसके माध्यम से हम चुनाव लड़ पाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण जिसमें तदीपस आरक्षण का प्रावधान किया गया है ये किस संबंध में है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग प्रतिदिन 9:30 बजे लाइव आएंगे? क्या आप लोग भी भविष्य में सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं? तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में। आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है, एक सीट आपको पक्की करनी है, तो आप टाइम से लाइव आ जाया करिए। देखिए अगर हम आरक्षण की बात करें तो यह कहाँ पर है, यह संसद और विधानसभा दोनों में है। फिर आगे चलकर पंचायती राज व्यवस्था में भी लागू होता है। तो हमने देखा कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% का, ध्यान दीजिएगा यह राज्यसभा में पारित आरक्षण, ये संसद राज्य विधानसभा संबंधित है, महिलाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, महिलाओं को 33% आरक्षण की भी व्यवस्था करता है। अब ये लंबित है कौन सा, 108वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ये पंचायती चुनाव में भी है लेकिन यहाँ पे सभी नौकरियों में, इसलिए गलत हो जाएगा, सभी नौकरी में नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सरकारी शिक्षक बनाने वाली क्लास है, यहीं से आपके परीक्षा में हूबहू प्रश्न आएंगे। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है जो आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपसे फिर से एक निवेदन हम करेंगे कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिएगा। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया ईश्वर करे और जब भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठें उनका चयन सिलेक्शन जल्द पक्का हो, और जितने लोग देख रहे हैं उनका भी चयन हो, क्योंकि आप लोग अच्छे इंसान हैं और अलाइक करने वाले जिंदगी भर यही काम करते रह जाएं और आप लोग अच्छे स्थानों पर जाएं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाएं। चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट किसे कहते हैं, माने भारत का चौथा स्तंभ क्या है, बताइए सभी लोग, क्योंकि बहुत ही विवादित प्रश्न आता है, बहुत बार आपको सुनने को मिलता है। देखिए लोकतंत्र की में चार स्तंभ की बात कहा गया, जिसमें विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसे लागू करने का काम करती है, न्यायपालिका उल्लंघन करने वाले को दंडित करने का काम करती है, लेकिन प्रेस तथा समाचार पत्र जिसे आप मीडिया कहते हैं ये फोर्थ स्टेट, जी हाँ इसे फोर्थ स्टेट कहा गया है, फोर्थ ई स्टेट कहा गया है, चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। ये सशक्त है, ये प्रहरी माना जाता है, ये संविधान के अनुच्छेद 19 में है और स्वतंत्रता सूचना के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में उच्चतम न्यायालय ने माना है। मतलब अगर इसकी बात की जाए तो अनुच्छेद 19(1)(क) में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ ये चतुर्थ, ये फोर्थ स्टेट है। ठीक है, ये चौथा स्तंभ है भारत का। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। हाँ जी हाँ, देखिए सीटेट यूपीटेट सुपर टेट की सभी क्लासेज आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़िएगा। अगले दिन से आपको सभी क्लासेज, ठीक है सभी क्लासेज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध होगा। ठीक है, सीटेट यूपीटेट सुपर टेट शिक्षक भर्ती सभी लोग, और ये क्लास जो है वो आपको 9:30 बजे से लर्निंग विद दुर्गेश पर चलेगी। एक प्रश्न आया है कि सर आपको सारे सारे अनुच्छेद कैसे याद है, तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, मैं अपनी व्यक्तिगत बात आपसे शेयर करूंगा। जब मैं 10th पास किया था तब से लेकर मैं कुछ दिन पहले तक सिविल सर्विस का एक अच्छे अभ्यर्थी के तौर पर तैयारी कर रहा हूं। पिछले 8 सालों से हम इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, करंट अवेयरनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सभी पे मैं अपना फोकस किया हूँ और मेरे
पसंदीदा सब्जेक्ट में चार आते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मॉडर्न इंडिया। तो जो मेरे पसंदीदा विषय होंगे उन्हें मुझे याद करने में, पढ़ने भी मजा आएगा। देखिए, याद रखिएगा, भारत में दो चुनाव होते हैं। कौन कौन? दो तरह के चुनाव होता है। एक होता है आम चुनाव, मतलब केवल भारत में ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन? अनुसूची 11 एंड 12 में जितने भी विषय दिए गए हैं इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, बाकी जितने भी निर्वाचन होते हैं उन्हें भारत निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग कराता है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, जितने भी, चाहे विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, इन सभी चुनाव का जिम्मेदारी किसकी होती है? वो भारत निर्वाचन आयोग की होती है। लेकिन लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का चुनाव भी, ग्राम पंचायत अलग से पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत जिसका जिक्र अनुच्छेद 40 में है, अभी आगे भी पढ़ेंगे, भाग 9 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं केवल दो चुनाव ऐसे हैं, अनुसूची 11 माने पंचायती राज व्यवस्था, अनुसूची 12 नगर निगम, यह चुनाव दो ऐसे हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप सभी साथी देंगे। कह रहा है कि पंचायती राज जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर रहता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1993 से इसे कानूनी दर्जा दिया गया और प्रशासनिक ढांचा को रूप दिया गया, फिर इसे पंचायती राज कहा गया, और इसकी फंड के लिए क्या किया जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। ये क्लास रट्टा मार लीजिए, यहाँ से ही शिक्षक भर्ती में हूबहू प्रश्न आएंगे, ये बात देख लीजिएगा, ठीक है। गलत सही जरूर बताइएगा, यहाँ पे गलती करेंगे कि परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। सभी साथी मित्रों को शेयर करिए, जो भी आपके साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँचाइए। इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग, मालिक नहीं कर सकते? चलिए, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को, ठीक है। और 74वां जो है नगर निगम से, ये अनुसूची 11 में है और उसके बाद अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। एक टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे अलग से। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त। प्रशासनिक ढांचा में क्या आता है? स्थानीय कर, राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया आर्थिक अनुदान, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती करिएगा लेकिन परीक्षा हाल में गलती ना हो, यहाँ पे जितनी गलतियां करिए माफ है, क्योंकि यार यहाँ पे गलती करके आप सीखेंगे और उसका उपयोग परीक्षा हाल के अंदर करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच, पंचायत राज का सबसे छोटा अंक क्या है? जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे कि भारत में बलवंत राय मेहता जो है उसकी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का ढांचा हमारे यहाँ चल रहा है, तो बताइए फटाफट कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, अगर हम इसका सबसे छोटा ढांचा देखें, त्रिस्तरीय का सबसे छोटा क्या है बताइए। जी हां, कुछ लोगों ने सही बताया है, कुछ लोगों ने गलत बताया है, बहुत सारे लोगों ने सही बताया है। देखिए, ग्राम नहीं होता, ग्राम पंचायत होता है। जी हाँ, देखिए, पंचायत राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। भारतीय पंचायत व्यवस्था तीन स्तरीय है, जिसे बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर लागू किया गया था और इसका जिक्र संविधान का अनुच्छेद 40 में है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जितने प्यारे शिक्षक साथियों ने दिया था, डी, उन सभी का उत्तर सही था। जी हाँ, जी हाँ, आप सभी को सरकारी शिक्षक बनना है तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है ग्राम पंचायत। पंचायत समिति
जिला परिषद ग्राम नहीं होता, याद रखिएगा। कुछ लोगों ने सी बताया था, सी का गलत उत्तर होगा, डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्न परीक्षा में गलती मत करिएगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती कर दी, लेकिन यकीन मानिएगा परीक्षा में गलती मत करिएगा। अनुच्छेद 40 में सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत, ठीक, कई गांव को मिलाकर भी एक ग्राम पंचायत बनती है। अगला प्रश्न है आपका, इसका मुखिया ग्राम प्रधान कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देशन दिया गया है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, थोड़ी सी क्लास आज जल्दी खत्म होगी, क्योंकि आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसा लग रहा है लाइक करने का पैसा लग जाएगा। लोगों तक पहुंचाया करिए, कर भला तो हो भला, आप लोग सरकारी शिक्षक जो बनने जा रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देशित किया गया है। कि आप लोग अगले दिन 10 लोगों को जोड़ेंगे इस कक्षा में, केवल अपने साथ 10 लोगों को जोड़िए, 10 अच्छे लोगों को जिससे आप चाहते हैं आपके साथ वो भी सरकारी शिक्षक बने, बस मात्र 10 लोगों को। देखिए अनुच्छेद 40 में, वैसे मैं चाहूंगा आप इन सभी अनुच्छेदों के बारे में बताएं। अनुच्छेद 78 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 32 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 48 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी अनुच्छेद आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा आप इन सभी अनुच्छेदों के बारे में एक एक लाइन जरूर बताएं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा हृदय कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 78 क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, अनुच्छेद 78 क्या है बताइए, अनुच्छेद 78 क्या है? नहीं बताएंगे आप लोग, मालिक इतना सरल है फिर भी आप नहीं बता रहे हैं। चलिए अब आपका काम है बताना। देखिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो सभी प्रशासनिक और विधायक मामलों को मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। माने क्या है, राष्ट्रपति को सूचना देने का काम करना है अनुच्छेद 78 में। 48 क्या है, 48 ऊपर हम लोगों ने भी पढ़ा था, जी हाँ ऊपर अभी हम लोगों ने 48 को पढ़ा था, आप लोगों ने भी ऊपर 48 को पढ़ा था, अनुच्छेद 48 ऊपर हमने पढ़ाया था, ऊपर 48 हमने पढ़ाया था राज्य के नीति निर्देशक संबंध में, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। अनुच्छेद 48 क्या है, अरे यार ऊपर मैंने पढ़ाया था मालिक, आप लोग ऐसे काहे बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, ऊपर तो हमने पढ़ाया था, बेइज्जती मत करिए मालिक। ये पर्यावरण सुरक्षा सुधार वन जीव की सुरक्षा के लिए है, ठीक है, ये अनुच्छेद 48। कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन संगठन है, 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन संगठन है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, कृषि एवं पशुपालन संगठन है, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पंचायत राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी कि पंचायत राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दें और अपने सभी साथी मित्रों तक, लोगों तक पहुंचाते रहें। देखिए ये बलवंत राय मेहता समिति सभी का सही जवाब है, जी हाँ बलवंत राय मेहता कौन कौन था, देखिए ऐसे पढ़िएगा, ग्राम स्तर पर क्या था कमेंट करके बताइएगा, ठीक। और ब्लॉक या खंड स्तर पर क्या था, खंड स्तर पर क्या था और जिला स्तर पर क्या था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है जो ग्राम पंचायत समिति की सबसे छोटी इकाई है, यहां पर खंड स्तर पर यहां पे पंचायत समिति थी, पंचायत समिति, ठीक। जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला
ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा, भारतीय किस राज्य में चार स्तरीय व्यवस्था लागू है? कौन सी चार स्तरीय व्यवस्था भारत के किस राज्य में लागू है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिएगा जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। देखिए सभी साथी टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं टेट सी टेट सुपर टेट अन्य सभी शिक्षक भर्तियों की ऑनलाइन लाइव क्लास फ्री फ्री नोट्स आपको मिल जाए, तो याद रखिएगा आपको यहाँ दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलेगा। और ये क्लास प्रतिदिन 9:30 बजे यहाँ आपको लाइव चलती है, अपने मोबाइल में आप लोग अलार्म लगा लीजिएगा क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। यह जौनपुर जनपद से क्लास चलती है। ऑनलाइन संबंधित यदि कोई जानकारी आपको चाहिए क्लास या नोट से, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ये ऑफिस का नंबर है, यहाँ से आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। ये मेरी क्लास आपको निःशुल्क चलती है और आप इसे लाइव देख सकते हैं। चलिए पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए, अगर आपको चुनाव लड़ना है, आपको पंचायत समिति का सदस्य बनना है, उसके लिए अगर हम आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 21 वर्ष रखा गया है। कितना वर्ष? 21 वर्ष रखा गया है। जी हाँ मेरे प्यारे अध्यापक एवं अध्यापिका साथियों, ये संविधान के अगर अनुच्छेद की बात की जाए, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद लिख लीजिएगा 2, 4, 6, 3, 7 मतलब भाग 9 में च में इसका वर्णन किया गया है। च माने छ में इसका वर्णन किया गया है, जबकि लोकसभा राज्यसभा लोकसभा के लिए विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30, ठीक है, और मतदान करने के लिए 18। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे, भी प्रश्न तो बाकी है। अगला है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें क्या है। निम्नलिखित में से जी हाँ, और आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए। यकीनन मेरा उद्देश्य आपको सरकारी नौकरी शिक्षक बनाने तक का सफर तय कराना है, बस आप अपना मेहनत करते रहिए और डेली आपने देखिए भूमि कर है, वाहन कर भी है, भवन कर है, लेकिन संपत्ति कर नहीं है, संपत्ति कर नहीं है। ठीक, ये केंद्र सरकार का कर है। कौन सा है? यह केंद्रीय कर है, ये केंद्रीय कर है, ये केंद्र सरकार का कर है। इसलिए जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, जितने लोगों ने ठीक यहां पर संपत्ति का कर जो होगा वही होगा, बाकी भूमि कर ये ग्राम पंचायत के आय का स्रोत है, वाहन कर, भवन कर, ठीक है, मेला कर लिख लीजिएगा, मेला कर ये भी किसका है, ये पंचायत राज व्यवस्था का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आ रहा है? यहां से एक प्रश्न आएगा, ठीक है, आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आय का स्रोत है पूछा है, माने एक विकल्प सही है। सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करें जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, तो ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या है, कमेंट करें जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए इसका बहुत ही आसान जवाब देना होगा, आयकर नहीं है, बिक्री कर नहीं है, लेवी शुल्क नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा व्यावसायिक कर है। ठीक है, ठीक, क्या होगा? व्यावसायिक कर इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ आप सभी का? मतलब यहां पर जितने लोगों इस प्रश्न का उत्तर व्यावसायिक, देखिए आयकर जो है ये नहीं है। देखिए ग्राम पंचायत के कर कौन कौन से लिख लीजिएगा, एक हेडिंग बनाइएगा ग्राम पंचायत के कर, ग्राम पंचायत के प्रमुख कर, चलिए लिखिएगा ताकि भविष्य में गलती ना होने पाए। देखिए ऊपर हम लोगों ने देखा था पशु के व्यापार पर कर,
पशु के व्यापार पर कर, व्यवसायिक कर हो गया, मेला कर, समझ आ रहा है ना, मेला कर, इमारत कर, इमारत पर संपत्ति कर, ध्यान दीजिएगा, इमारत पर संपत्ति कर, ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भूमि कर, जिसे पट्टा होता आपने सुना होगा, वाहन कर, चूंकि राज्य सरकार का कर होता है और इसका भी होता है, ये भी अपने यहाँ लगा सकते हैं, और इमारत कर को संपत्ति को भवन कर भी कहते हैं, ठीक। तो ये सारे कर जो है ये ग्राम पंचायतों के प्रमुख कर हैं, ठीक, समझ में आया। किसी कोई दिक्कत हो या समस्या हो तो कमेंट करके पूछे, भी आगे पढ़ना है, इतने पर नहीं रुकना है, बताइए सभी लोग, समझ में आप लोग को। इसे आरोपित, लेवी कर पर आरोपित कर कहते हैं, इसे आरोपित कर कहते हैं, लेवी कर को आरोपित कर कहते हैं, ठीक है। जैसे वस्तु सेवाओं की लेन देन के लिए अधिसूचित करता है ये, ठीक है। इसे दोबारा कर लगाना, लेवी का मतलब है दोबारा कर लगाना, लेवी का मतलब ऐसे समझिएगा दोबारा कर लगाना, मतलब एक बार कर लग गया है दोबारा, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, दोबारा कर लगाना, क्लियर, समझ में आया आप लोग को, क्या करना, दोबारा करना, लेवी माने दोबारा कर, आरोपित करना। अगला प्रश्न है आपके बीच, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, बताइए जरा फटाफट कमेंट करके, गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, राइट टू प्राइवेसी कह सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी, देखिए चुनाव में भी गोपनीयता का आधार है, तो देखिए गोपनीयता का अधिकार जो है वो हमारा क्या है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, भाग तीन है, कौन सा है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है ना उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है और यह आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है, आप अपने सभी साथी मित्रों को प्रतिदिन 9:30 बजे की क्लास में, जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जूनियर प्राइमरी UPTET, उन सभी को इस 50 नंबर की सीरीज में लेकर लाइव आइए। ये क्लास निःशुल्क, राष्ट्रहित में, देश हित में आपको एक सरकारी शिक्षक बनाने के उद्देश्य से प्रतिदिन लाइव चलती है, तो आप इसका लिंक टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके इलानी भी दुर्गेश पर जुड़िएगा। UPTET, CTET, SuperTET और सभी भर्ती परीक्षाओं की ऑनलाइन क्लास, नोट, सभी चीज़ें यहाँ पर निःशुल्क आपको मिलती रहेंगी, लेकिन यह क्लास 9:30 बजे चलती है। आप अपने सभी साथियों को यहाँ पे 10-10 साथियों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आपको ऑनलाइन संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से संचालित की जाती है, पूरी तरह से निःशुल्क मेरे द्वारा, इसका लाभ आप लोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। मेरा गला बैठ गया, देखिए राइट टू प्राइवेसी, इसे निजता का अधिकार कहते हैं, क्या कहते हैं, निजता का अधिकार, इसे राइट टू प्राइवेसी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग कभी जब ऑनलाइन क्लास आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इसका जिक्र जरूर करूँगा। देखिए अगस्त 2007 में एक जजमेंट आया था, कब, अगस्त 2017 में, मुझे डेट मुझे याद नहीं, शायद वो 21 तारीख था क्या, ये मुझे कंफर्म याद नहीं है, शायद 21 अगस्त था शायद। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक मौलिक अधिकार बताया था और ये कहा था कि संवैधानिक जो अधिकार है, निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाता है, इसलिए ये जीने का अधिकार है, हम इसलिए यहाँ पर मौलिक अधिकार रखते हैं। आपको पता है मौलिक अधिकार भाग तीन में है, किसमें है, भाग तीन नीति से सिद्धांत, ये भाग चार में है, मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग चार में है, ये आपके भाग चार
क में है, नागरिकता भाग दो में है, लेकिन इनका अनुच्छेद भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि सर हमें अनुच्छेद बताइए कैसे याद करना है। ये मौलिक अधिकार जो है ये 12 से 35 तक है अनुच्छेद, ये अगर नागरिकता की बात की जाए ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 क में है, ये इनकी बात की जाए तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। सबको समझ में आ गया, जरा कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, एक लाइन में जरूर बताइएगा। क्या कल से आप सभी लोग 9:30 बजे टाइम से लाइव रहेंगे अगले वर्किंग डे की क्लास में? ठीक है, बाकी किसी भी ऑनलाइन समस्या के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कॉल करके भी ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे जितनी मेहनत के साथ आप लोग मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत के साथ आपके कदमों में नौकरी आए। जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है और अंत तक वीडियो में बने रहे हैं, आराम आराम से सारे तथ्यों को लिखा है, ईश्वर करे जब भी भर्ती परीक्षा में जाएं उनके सारे प्रश्न इस भर्ती परीक्षा में जो आए वो मेरे द्वारा पढ़ाए और पूछे गए हों और आपके द्वारा तैयार किए गए हों। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेहनती हैं, और जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी रात गए अपना पढ़ रहे हैं, मैं तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप बैठ के सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यकीनन आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सफलता आपके कदम में चूमेगी। बस अपना बेहतर देते रहिएगा, अपना बेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। 9:30 बजे की क्लास के साथ साथ अन्य सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, इसका उत्तर आप सभी को वीडियो के लाइव में देना है, तो क्या आप लोग जरूर देंगे बताइए? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जाने दीजिए, आप लोग बताएंगे नहीं पता नहीं। 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? आप लोग जितने लोग इस वीडियो को यहां तक देखे हैं वे जवाब जरूर देंगे कि 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। आपात उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में है? तो आपात उपबंध भाग 18 में है। आपात उपबंध भाग 18 में है, ये जानते रहिएगा। अनुच्छेद 352 से 360 तक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 10-10 लोगों को क्लास में जोड़ना है आपको। ठीक है, चलते हैं तब, बाय बाय। लंबी क्लास हो गई यार। चलते हैं तब।